ओके बेटे, अब आते हैं एक्सरसाइज 9.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। कहते हैं ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। थ्री बॉयज अंकुर, सईद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ इट्स बाउंड्री, इच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक इच अदर। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ इच फॉर्म। अब देखो यहाँ पे आप सर्कल एक ड्रॉ कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि तीन बच्चे हैं, अंकुर, अंकुर को ए से ढूंढ कर लेते हैं, ए स्टैंड फॉर अंकुर, क्वेश्चन नंबर 6 है, और एस स्टैंड फॉर सईद, ओके, और डी स्टैंड फॉर डेविड। ओके, तो तीन मान लो यहाँ पे सपोज करो अंकित है, सॉरी अंकुर है, ए इक्वल डिस्टेंस पे, और यहाँ पे यहाँ पे आपको क्या है, ओके, यहाँ पे है कौन सा सईद, ठीक है, और यहाँ पे आपका यहाँ पे है डेविड, इक्वल डिस्टेंस पे सब। ओके, अब देखो, अब ए को एस से ज्वाइन करो, स्ट्रिंग से है ना, टॉय टेलीफोन है, स्ट्रिंग से कनेक्ट है, फिर इसको इससे ज्वाइन करो, फिर ए को डी ज्वाइन कर दो, ठीक है, आपका तीनों डिस्टेंस इक्वल है, यानी आपको गिवन है, क्या गिवन है, इसका रेडियस दिया 20 मीटर दिया, रेडियस कितना है सर्कल, इसका सेंटर मान लो, चलो बाद रेडियस कितना है 20 मीटर है इस, और आपको गिवन है क्या, गिवन दैट ए एस इक्वल टू एस डी इक्वल टू ई डी, ये तीनों इक्वल यानी ए इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। आपको कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ लेंथ फाइंड आउट करना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेंथ एक का लेंथ आ जाएगा सभी का लेंथ आ जाएगा, ओके, ये फाइंड आउट करनी है, लेट कर लेते हैं, इसका लेंथ क्या है, एक्स मान लेते हैं, इसका लेंथ एक्स एक्स है, लेट एस इक्वल टू एस डी इक्वल टू ए डी, ये किसके इक्वल है, एक्स मीटर के इक्वल है, ये लेट कर लिए, एक्स वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। ओके, ज़्यादा 2x कर लो ज़्यादा बेटर है, फ्रैक्शन नहीं आएगा, 2x कर लो ज़्यादा बेटर है, 2x कर लो, 2x करने से क्या होगा, आपको बेटर होगा, 2x मान लो इसका लेंथ 2x है, मैं बताऊँ क्यों 2x किया, आपको इजी करने के लिए क्या है, जो एक्स के वैल्यू होगा इसमें पुट कर देंगे, 2 में मतलब यहाँ पुट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आ जाए, इसका लेंथ आ जाएगा। ओके, लेट कर लेते हैं, इसका सेंटर क्या है, सपोज करते हैं पॉइंट ओ है, सेंटर क्या है इसका, इसे सेंटर ले लेते हैं, सेंटर ले लो, सेंटर हुआ है, ऐसा करते हैं, अब ए को ओ से ज्वाइन कर देते हैं, है ना, और आगे एस टी तक ले जाते हैं, सेंटर हो ले गया, ये मान लो सपोज करो कहाँ पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है एस डी को, हाँ इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पी पे, पॉइंट पी, ओके ओके, हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया हमने, ए और पी को जो ज्वाइन किया,
यानी पॉइंट ए से हमने एच डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्या किया, एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यानी कि इक्वेटेड रेक्टेंगल का हाइट हो जाएगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री एंगल है, कितना है 90 डिग्री। आपको क्या फाइंड आउट करने लगे, तो फाइंड नहीं, तीनों का लेंथ फाइंड आउट करनी है, फाइंड लेंथ ऑफ ए एस एच डी एंड ए डी, ए फाइंड आउट करनी है। एक फाइंड आउट होगा सारे सारे तीनों इक्वल है, फाइंड आउट हो जाएगा। अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू एस डी ड्रॉ कर दिया, एंड ए पी और सेंटर लेट कर लिया, सर्कल सेंटर ओ है, लेट कर लिया, लेट ओ इज ए सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखो बच्चा, आपका क्वेश्चन होगा कि ये जो है हमने कैसे कर दिया कि पॉइंट ये जो ए पी जो है सेंटर होके पास कर रही है ना। मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो एच डी पे परपेंडिकुलर है, तो मैंने क्या दिखाया कि ये जो लाइन है ए पी जो है सेंटर होके पास कर रही है। क्यों ऐसा क्यों किया, एक्चुअली क्या होता है, इक्वेटेड ट्रायंगल में जब किसी वर्टेक्स हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो अपोजिट साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, जिससे ये तीनों साइड इक्वल है, ए बी ए एस एस डी और ए पी ए डी। तो किसी भी इक्वेटेड ट्रायंगल में जब किसी वर्टेक्स से, देखो हम जैसे हमने इक्वेटेड ट्रायंगल ड्रॉ किया, मैंने सपोज किया ये इक्वेटेड ट्रायंगल है, ए बी सी इक्वेटेड ट्रायंगल है, जब वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड पर हम जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए डी, तो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा, क्या करेगा, आधा इधर हो जाएगा आधा इधर हो जाएगा, बाइसेक्ट कर देगा। ओके, अब हमने क्या किया कि सेंटर हो क्यों पास कराया, इस पॉइंट को हमने सेंटर हो क्यों पास कराया, यानी कौन किस को, ए पी को। तो ये तो पता चल गया कि ए पी जो है, ए पी जैसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एच डी पे, तो एच डी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, आधा पोर्शन इधर होगा आधे पोर्शन इधर होगा। अगर इस पूरा का लेंथ कितना है 2x है, तो आधे इधर हो जाएगा, यानी x इधर हो जाएगा और x इधर हो जाएगा, ठीक है, यानी एस पी का लेंथ x हो जाएगा और पी डी का लेंथ भी x हो जाएगा। ओके, आधे आधा हो जाएगा, बाइसेक्ट करेगा। अब जैसे आपने थ्योरम पढ़ा हुआ, चूँकि एच डी क्या है, एक कॉर्ड है, एच डी क्या है, एच डी एक कॉर्ड है, आपने पढ़ा हुआ कि जब कोई लाइन सेंटर होके पास करती है और वह लाइन अगर कॉर्ड को कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करता है। तो जब भी कोई भी लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करता है और कॉर्ड को परपेंडिकुलर भी है, तो वह लाइन की सेंटर होके पास करेगा सेंटर होके पास करेगा, तभी वो लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्ट भी करेगा कॉर्ड को। चूँकि यहाँ पर ए पी जो है एच डी को एच डी पे परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, आधे इधर आधे इधर, इसका मतलब ए पी जो है सेंटर होके पास करेगा, सर्कल के सेंटर होके पास करेगा, इसलिए हमने ए पी को पॉइंट ओ यानी सेंटर होके पास कराया है। ओके, अभी लिख देंगे नीचे, सिंस ए ट्रायंगल ए एस डी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कहेंगे सिंस ट्रायंगल ए एस डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे बाय कंस्ट्रक्शन से क्या है, सिंस ए पी इज परपेंडिकुलर टू एच डी, ये आपको बाय कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन, तो हमने वर्टेक्स ए से एच डी पर क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो एच डी को बाइसेक्ट भी करेगा, क्योंकि इक्वेटेड ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टीज है। तो देयरफॉर ए पी
bisects HD, HD को bisect करेगा. This implies that अगर bisect करा तो आधा पोर्शन इधर आधे पोर्शन इधर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, SP equal to होगा DP, SP therefore SP equal to DP equal to half of HD. HD का लेंथ कितना लिया मैंने, HD जो लेंथ लिया मैंने, HD की लेंथ कितना लिया हमने, 2x, तो 2x का आधा कर दो. दिस इंप्लाई दैट SP इक्वल टू DP इक्वल टू 1/2 इंटू 2x, तो 2 कट गया. देयरफॉर SP इक्वल टू DP इक्वल टू कितना आ गया, x आ गया. ठीक है, तो लेंथ क्या आ गया, x आ गया. ठीक है, हो गया. यानी कि SP क्या है, HD पे परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी कर रहा है, HD कॉर्ड है, इसलिए AP है, AP जो है सेंटर होके पास कर रही है. क्लियर है? तब देखो बच्चे, अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट O को S से ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया. ओके, अब देखो बच्चे, अब ए टू एक्स से ए भी क्या आपका, ए भी आपका ए एस का लेंथ भी टू एक्स है, ए डी का लेंथ क्या है, 2x है. ओके, अब यहाँ पे देखो, ये तो रेडियस है बच्चे, ये क्या है, यहाँ क्या है आपका रेडियस है, तो रेडियस कितना दिया हुआ, 20 दिया हुआ, 20 है, ये भी तो रेडियस है, ओ एस को ज्वाइन किया, ये भी तो रेडियस है, ये भी 20 है. ओके, अब देखो बच्चे, ए पी आपका क्या है, इसका लेंथ निकाल लो, इसका ओ पी की लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं. अब चूंकि ये राइट एंगल है, ये क्या है, राइट एंगल है, राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे, तो ओ पी की लेंथ आ जाएगा. ओके, अब देखते हैं, यहाँ से भी कर लेंगे हम लोग, एस ट्रेंगल ए पी एस भी राइट ट्रेंगल है, तो फिर यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, देन फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, चलो कर लेते हैं हम लोग, ओ पी इक्वल टू ट्रेंगल ओ पी, ऐसे कर लो, ए पी की लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, ए पी की लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग. देखो ट्रेंगल रेडियस कौन सा बच्चे, ए एस पी, ट्रेंगल ए एस पी राइट ट्रेंगल, क्यों राइट ट्रेंगल, ये चूंकि 90 डिग्री है, क्या 90 डिग्री है, एंगल पी क्या 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे. इन राइट ट्रेंगल ए पी एस, ए पी एस, इस राइट ट्रेंगल में लेग चल रहा है, इन राइट ट्रेंगल नाउ, इन राइट ट्रेंगल ए पी एस, इस राइट ट्रेंगल में क्या, देखो ये आपको हाइपोटेन्यूस है, ए एस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ए एस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना, एस पी का स्क्वायर और ए पी का स्क्वायर का सम, एस पी प्लस ए पी का स्क्वायर का सम, तो एस ए एस कितना 2x का स्क्वायर इक्वल टू एस पी कितना x है, प्लस प्लस कितना बचे, प्लस ए पी स्क्वायर, दिस इंप्लाई दैट कितना है, 4x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, कितना है 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर, डिफरेंस करो कितना आएगा, 3x स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर, देयरफॉर ए पी इक्वल टू कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर, दिस इंप्लाई दैट ए पी इक्वल हो गया रूट 3x स्क्वायर का रूट क्या होगा, x हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स ए पी की लेंथ आ गया ये. ठीक है, अब देखो बच्चे, ए पी की लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आ गया,
देखो आप, क्या आ गया? अब देखो एपी, एपी का दो पार्ट है, कौन कौन है? ओए और ओपी। अब इससे हम ओपी का लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन एपी इक्वल टू है ओए और ओपी। ओए तो रेडियस है, रेडियस 20 लिख देंगे, लेकिन नाउ सिंस एपी इक्वल टू है, सिंस एपी इक्वल टू है ओए प्लस ओपी, दिस इम्प्लाई दैट एपी कितना है, रूट थ्री एक्स इक्वल टू ओए आपको 20 है प्लस ओपी, देयरफॉर ओपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओपी इक्वल टू हो जाएगा रूट थ्री एक्स माइनस 20, ये आ जाएगा ओपी का लेंथ। ठीक है, ओपी का लेंथ आ गया। अब हम राइट एंगल लेंगे, कौन सा, नीचे वाला राइट एंगल लेंगे, कौन सा देख लो, एट एंगल लेंगे, एट एंगल लेंगे। इस राइट एंगल में देखो, राइट एंगल क्या है, ओ पी एस है। इस राइट एंगल में देखो क्या क्या है, यानी कि ओ एस क्या है, ओ एस आपका क्या है, हाइपोटेन्यूस है। राइट एंगल ओ पी एस, नौ इन राइट एंगल ओ पी एस में आपका क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या, ओ एस है हाइपोटेन्यूस, ये क्या है हाइपोटेन्यूस है, ओ एस स्क्वायर इक्वल होगा एस पी, ओ एस का स्क्वायर इक्वल टू है एस पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ओके, तो ओ एस है कितना, रेडियस है 20 का स्क्वायर इक्वल टू एस पी कितना, एक्स है, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी कितना, देखो ओ पी है कितना है प्लस ओ पी, ओ पी है रूट थ्री एक्स माइनस 20 का होल स्क्वायर। ओके, दिस इम्प्लाई दैट ये आ गया 400 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसे ओपन करो तो क्या होता है, ए स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर यानी रूट थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया 20 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए कितना है रूट थ्री एक्स इंटू बी, बी है 20, दिस इम्प्लाई कितना आ गया 400 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक मिनट, ठीक है, ओ एस स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ओ पी रूट थ्री एक्स, एक मिनट, रूट थ्री एक्स माइनस 20, ठीक है, ठीक है बच्चे, ओके। अब देखो प्लस ये कितना आएगा, रूट थ्री के स्क्वायर मतलब हो गया स्क्वायर करेंगे, इसका क्या रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाए रूट स्क्वायर, तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400 माइनस ये कितना आएगा 2 इंटू 20 40 रूट थ्री एक्स। अब देखो दोनों साइड क्या है 400 कैंसिल हो जाएगा, 400 क्या है दोनों साइड 400 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या आ गया 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर कितना आएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 40 रूट थ्री एक्स। अब देखो बच्चे इसमें इसमें क्या क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर आ गया, ओके ठीक है, तो कितना आ गया, दिस इम्प्लाई दैट 4 एक्स स्क्वायर मैं कॉमन ले लो 0 इक्वल टू कितना 4 ही कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा, तो 4 एक्स कॉमन ले लिया कितना बचा, यहाँ आएगा x, x रहेगा माइनस यहाँ 4 कॉमन लिया तो यहाँ 10 रह जाएगा 10 रूट थ्री, एक्स तो कॉमन ले चुके हैं यहाँ से, एक्स तो निकल गया
ओके तो दिस इंप्लाई इधर क्या आ गया बच्चे, ये आ गया 4x इंटू एक्स माइनस 10√3 इक्वल जीरो। तो दो दो फैक्टर का प्रोडक्ट जीरो है, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। दिस इंप्लाई दैट आइदर एक्स इक्वल टू जीरो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। और जब फोर फोर इधर लाओ तो जीरो बाई फोर जीरो हो जाएगा। फिर दूसरा क्या होगा, और एक्स माइनस 10√3 कितना होगा जीरो। तो एक्स वैल्यू कितना आएगा, माइनस इधर प्लस हो जाएगा 10√3। तो एक्स वैल्यू जीरो हो गया, तो एक्स वैल्यू जीरो तो हो नहीं सकता, इसे रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि बच्चे अलग अलग बैठे हुए तो डिस्टेंस जीरो तो होगा नहीं, इसे क्या करेंगे रिजेक्टेड कर देंगे इसको, एक्स का वैल्यू जीरो को। देयरफॉर एक्स वैल्यू क्या लेंगे, एक्स वैल्यू होगा 10√3। ठीक है, ये आ गया एक्स का वैल्यू। मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है स्ट्रिंग का, लेंथ किसके लिए क्या लेट किया था, 2x क्या लेट किया था, 2x लेट किया था कि ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है AS या SD या AD कितना 2x के बराबर है। तो सिंस लिखेंगे AS, SD और AD कितने के इक्वल है, लिखेंगे आप x वैल्यू पुट कर देंगे आप, लेकिन सिंस AS इक्वल टू SD इक्वल टू AD है ना, इक्वल टू क्या लिया 2x लेट किया था और 2 इंटू एक्स कितना 10√3, तो कितना आ गया 20√3, ये आंसर हो गया मीटर। यानी एक इक्वल डिस्टेंस बैठा हुआ था, इसका मतलब 20√3 मीटर के डिस्टेंस पे तीनों बच्चे बैठे हुए हैं इक्वल डिस्टेंस पे। यानी कि क्या था, अंकुर था, अंकुर से सईद का डिस्टेंस 20√3 है, फिर सईद से डेविड का डिस्टेंस कितना है 20√3 है, फिर अंकुर से डेविड का डिस्टेंस कितना है 20√3, ये आंसर होगा। इच का डिस्टेंस है 20√3 मीटर, ये आ गया, ये है 20√3, ये भी 20√3 और ये भी कितना है 20√3। ओके बच्चे, ओके ठीक बच्चे, ओके ये आपका एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट हो गया है।